सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुज़हत का और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। आज हम बना रहे हैं दाल मूंग की खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने दाल ली है 100 ग्राम। 300 ग्राम मेरे पास चावल है, कम से कम इन्हें आधा घंटा पहले भिगो के रखिए। 3/4 कप ऑयल का यूज करेंगे हम। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया साबुत सफेद जीरा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। 2 टेबलस्पून हम बटर का यूज करेंगे और 1 छोटे साइज की प्याज है जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल मूंग की खिचड़ी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को हम लाइट ब्राउन कलर देंगे। ये देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। यहाँ पे मैं जीरा डाल दूंगी। जीरा डालने के बस थोड़ी ही देर बाद इसमें हम काली मिर्च ऐड कर नमक डाल देंगे। थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे। ये देखिए पानी इसलिए यूज़ किया है थोड़ा सा कि तड़का हमारा जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए और वो थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे हो गए मुझे पकाते हुए। तो यहाँ मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। इसमें दाल डाल के भी मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। हमारी दाल अच्छे से भून गई है और मसाला भी। तो यहाँ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक कर रहे हैं। पानी आप अपने चावलों और दाल के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा कि कितनी चीज़ें आपने ली हैं उसी हिसाब से। तो यहाँ मैंने 3 ग्लास इसमें पानी के ऐड किए क्योंकि 1 बड़ा ग्लास मेरे पास चावलों का था। उबाल आने देते हैं इसे। देखिए दाल डाल के भी हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिया है। तो यहाँ हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी हमने इसलिए ज़्यादा डाला क्योंकि हमें सॉफ्ट खिचड़ी बनानी है। अगर आपको खिचड़ी थोड़ी टाइट बनानी है तो पानी थोड़ा कम डालिए। चावलों के साथ दाल का पानी भी अलग से डालना पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखते हुए पानी डालिए। पकने देते हैं हम इसे जब तक कि ये इस कंडीशन में ना आ जाए कि हम इसे आने वाली कंडीशन हो चुकी है खिचड़ी की। तो यहाँ मैं 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी। पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए तो हम इसे दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बहुत थोड़ा सा पानी है। तो इसी स्टेज पे हम इसे दम पे लगा देंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। मैं इसे कवर कर फ्लेम पे रखे हुए। ये देखिए दम दिया हुआ था हमने, 10 मिनट हो गए। तो खिचड़ी को हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं। लीजिए खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत सॉफ्ट, दाल भी अच्छे से गल चुकी है और चावल भी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।